subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. खानदानी लोगों से ऐसी बातों का एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। बसीर भाई, मैं आपसे बेहद शर्मिंदा। कुछ सिया शर्मिंदा होने से कुछ नहीं होगा। अपने साहबजादे को लगाम दें। मेरी खोते बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। अगर मैं उसे कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगी। तुम्हारी नजरों में भी गिरा दिया है उसने मुझे, तो तुम समझाओ ना उसे, छोड़ दे ये बचपना। तुम फिक्र मत करो अजरा, मैं उसको आज ही यहाँ से लेके किसी होटल में शिफ्ट हो जाती हूँ। इसका एक और हल भी है। अगर अजरा को आपका जाना यहाँ से बुरा लग रहा है, तो जब तक आप यहाँ हैं, मैं अपनी बीवी को लेके कहीं और शिफ्ट हो जाता हूँ। नहीं नहीं बसीर भाई, आप क्यों कहीं जाएंगे, मैं उसे लेके यहाँ से चली जाऊंगी। और वैसे भी मुझे अमेरिका से आने के बाद होटल में ही शिफ्ट होना था। I'm sorry, Kutsia. कोई बात नहीं अजरा, डोंट वरी। ये क्या है? क्या सोचा है? ये कोई जगह है बात करने की? मैं अंदर उन सब लोगों के सामने तुमसे बात नहीं कर सकता। और मैं गेट पे खड़े होकर बात नहीं कर सकती तुमसे। तुम कम से कम मुझे बता तो सही कि मेरी बेचैनी तो खत्म हो। मैंने अभी कुछ नहीं सोचा। सोरा? नाम लेके तुम पुकारते हो उसे? चले चले, और इधर देखो मुझे। मैं खुद को उनके लिए बेबस सा महसूस करता हूं। मेरी मामा ने बहुत बातें सुनाई हैं मुझे, लेकिन मैं इनके लिए फैसलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। या तो तुम पागल हो गए हो, या तुम अपने होश आवाज खो बैठे हो। होश आवाज गंवाए मैंने, लेकिन जोरा जी के लिए फैसला मेरा दिलो दिमाग से है। अरे इस घर में क्या हो रहा है अजरा, किनको ले आई हो तुम यहां? आपने यकीनन उनकी किसी मजबूरी से फायदा उठाकर उनसे शादी की है। मैंने उनकी मजबूरी से उठा के शादी की है? और साहबजादे आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? औरत को एक ही निगाह से देखते हो? चलो यहां से, चलो चलो यहां से, निकलो निकलो यहां से। बेशर्म कहीं के, डोंट यू एवर कम बैक हियर। क्या हो गया तुम लोगों को हैं? एक ही निगाह से औरत को देखते हो? तमाम रिश्ते भूल गए हो कि उसमें और भी रिश्ते मौजूद हैं? राज टपकना शुरू हो जाती मुंह से देखते ही। अरे क्या गुनाह कर बैठा हूं मैं उससे शादी करके आ रहा हूं इस घर में। शर्म, कहां जा रहे हैं ये लोग? सिवाय बर्बादी के और कोई जगह नहीं इनके पास। ठीक है सर, मैं भी आपको ये कंपोज करके दिखाती हूँ। सुनो, बैठ। क्या बात है, आज तुम उदास और चुपचुप हो। उदास तो नहीं हूँ सर, कंफ्यूज हूँ। क्या कंफ्यूजन है मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। प्रॉब्लम आप ही हैं सर। मैं कैसे?
मैं कह नहीं पा रही हूँ। इसकी वजह ये माहौल तो नहीं हो सकता है। चलो कहीं बाहर चलते हैं, चल के कॉफी पीते हैं और बात भी हो जाएगी। मगर सर वो अच्छा बस चलो उठो। मैं चलती हूँ। कुत्सिया तुम्हें यूं जाता देखकर मेरा दिल बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन आई एम सॉरी, मजबूरी है। हालांकि तुम्हें तो मुझसे नाराज़ होना चाहिए था, तुम्हारे घर के अच्छे खासे माहौल में हमारी वजह से बदमजगी फैल गई। नहीं नहीं बस उमेर का बचपन है, उससे तो मैं बाद में बात करूँगी। लेकिन प्लीज़ तुम मुझे अपनी नज़रों से मत गिरने देना। नहीं नहीं कभी नहीं, तुम मेरी दोस्त हो और हमेशा रहोगी। थैंक यू। अच्छा फिर टेक केयर। थैंक यू। कॉफ़ी अच्छी है? जी। कहो क्या मसला है? आपकी मेरे बारे में क्या राय है? मुझे जो भी औरतें मिली हैं उनमें तुम सबसे अच्छी हो, इससे अच्छी राय और क्या हो सकती है। और मैं आपको कैसी लगती हूँ? प्यारी, मासूम। क्या आप मुझे पसंद करते हैं? ऑफ कोर्स, पसंद तो करता हूँ। तो फिर आप हाँ हाँ कहो। क्या सारी बातें मैं खुद ही कह दूं? खुलकर बात करो। मैं आपको अच्छी लगती हूँ, आप मुझे पसंद भी करते हैं। क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? देखो शबाना, तुम बहुत अच्छी लड़की है। अगर तुम अच्छी लड़की ना होती तो मैं भी तुम्हें उन्हीं लड़कियों की सफ में गिनता जो लड़कियां मुझे जुनूनी कहती। क्या क्या मतलब? सबा ने जो कुछ कहा वो सच था, सही था। मैंने वाकई उसके साथ मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। तुम अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। मैं तुमसे क्या किसी भी औरत से शादी नहीं करूँगा, सिर्फ इंतकाम। अलबत्ता तुम्हें कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो मैं मदद के लिए हाजिर हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी कदर करता हूँ।